Hi everyone, welcome to the Study Destination. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे VNIT यानी कि विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक हाई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां इंजीनियरिंग के एडमिशन्स होते हैं। हालांकि सभी को IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, पर NIT के बारे में नहीं। NIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्वेश्वरैया NIT का निर्माण 1960 में नागपुर में हुआ था। देश के उच्चतम दर्जा के जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें NIT का समावेश होता है। BTech करिकुलम, नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 सिविल, नंबर 3 कंप्यूटर साइंस, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, नंबर 5 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 6 मैकेनिकल, नंबर 7 मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, नंबर 8 माइनिंग। इस इंजीनियरिंग ब्रांचेस में और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन दिया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है उसमें एनालिटिक्स, IT सर्विस मैनेजमेंट, कंसल्टिंग कोर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, IT, डिजिटल बिजनेस, कंसल्टेंट, एजुकेशनल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑयल गैस, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, IT प्रोडक्ट्स, सर्विस, कंसल्टिंग फर्म, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे कंपनियों का समावेश होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन इज इंजीनियरिंग। VNIT में 20 ब्रांचेस में आप MTech कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 एनवायरमेंटल, नंबर 2 वाटर रिसोर्स, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 5 जियो टेक्निकल, नंबर 6 VLSI डिज़ाइन, नंबर 7 कम्युनिकेशन सिस्टम, नंबर 8 कंप्यूटर साइंस, नंबर 9 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नंबर 10 हीट पावर, नंबर 11 CAD CMA, नंबर 12 इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम, नंबर 13 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर्स, नंबर 14 मटेरियल्स, नंबर 15 प्रोसेस मेटलर्जी, नंबर 16 स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक्स, नंबर 17 स्ट्रक्चरल, नंबर 18 अर्बन प्लानिंग, नंबर 19 एक्सकावेशन, नंबर 20 केमिकल इंजीनियरिंग। इस पाठ्यक्रम के लिए GATE यानी कि ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इस एग्जाम के मार्क्स के जरिए एडमिशन दिया जाता है। ये एडमिशन प्रोसेस सेंट्रल काउंसलिंग फॉर MTech इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में VNIT, BTech, MTech के एडमिशन के बारे में जानकारी ली और जो पाठ्यक्रम है उनके बारे में अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।